सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स विद डीजे केविन। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे वर्चुअल डीजे 2021 के मास्टर क्लास के पार्ट टू पर। तो इस वीडियो में हम बीट मैचिंग, बीट मिक्सिंग क्यों किस तरह से करते हैं, पिच बेंड क्या होता है, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेराजपुर वर्चुअल 2020 के मास्टर क्लास के ऊपर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियो देख ले, जिससे कि आपको वर्चुअल डीजे 2021 में क्या क्या फीचर्स है, कौन से फंक्शंस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दिया है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले डीजे मिक्सिंग, जैसे कि बीट मैच करना, बीट क्यू करना, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो मेरा प्रीवियस वीडियो उसको एक बार देख ले, जैसे कि आपको पता चले कि वर्चुअल डीजे में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए लेट्स जंप टू द वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अब जब लैपटॉप यूज़ करने वाले हो वो कैसे यूज़ करने वाले हो, जैसे कि उसके आउटपुट किस तरह से रहने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो आपका लैपटॉप है आपको आपके होम थिएटर में कनेक्ट करना है, प्लस आपको हेडफोन्स भी यूज़ करना है, तो उसके लिए एक सेटिंग्स है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है और आपके पास इस तरह का जो ये हेडफोन्स आता है, जो मोबाइल का हेडफोन्स, अगर ये भी आपके पास है तो आप इससे भी मिक्सिंग कर सकते हो। कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि लैपटॉप में अपने सिर्फ एक ही आउटपुट होता है, इसमें या तो फिर वो आपके हेडफोन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप मास्टर आउट के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अपने होम थिएटर पर। लेकिन मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ भी बनाए हैं जिस तरह से आप ऑडियो को स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपके पास साउंड कार्ड है तो आप साउंड कार्ड से ऑडियो को स्प्लिट कर सकते हो, हेडफोन की तरफ अपना एक आउटपुट दे सकते हो और एक आउटपुट जो है आपके आप होम थिएटर में भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप जो नेक्स्ट ट्रैक है वो आप क्यों कर सके आपके हेडफोन्स पर, क्योंकि हम कंट्रोलर इसमें नहीं यूज़ करने वाले हैं। प्लस आपके पास और एक ऑप्शन है, अगर आप जैसे कि मैं यहाँ पर सेटिंग्स खोलता हूँ, ऑडियो में जाता हूँ, तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑडियो का ऑप्शन आता है और यहाँ पर आता है स्टीरियो टू मोनो स्प्लिटर। जब आप स्टीरियो टू मोनो स्प्लिटर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मास्टर और जो हेडफोन्स का आउटपुट है वो दोनों सेम रहेगा आपका लैपटॉप का आउटपुट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास इस तरह का मोबाइल का हेडफोन्स है या फिर कोई भी हेडफोन्स है आपके पास, तो लिटरली आप जो आपका हेडफोन्स का जो स्पीकर है उसको आप स्प्लिट कर सकते हो। तो जैसे कि इसमें आप एक साइड में आप ट्रैक को क्यू कर सकते हो, जैसे कि आपका फेडर नीचे रहेगा तो भी आप उसको क्यू बटन दबा के आप ट्रैक को सुन सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर आपका ये हेडफोन नीचे है और आप जब प्ले करेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा मास्टर आउट में, मतलब आपके हेडफोन में सुनाई, लेकिन जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए, मुझे अभी इस तरफ ये हेडफोन पे सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं ट्रैक को सुन सकता हूँ और यहाँ से क्यू भी कर सकता हूँ। प्लस जो जब मैं स्पीकर्स को ऊपर करूँगा तो ये आप मेरे ये हेडफोन्स में भी ईयरफोन में बजने लग गया और यहाँ पर भी बजने लग गया। तो ये एक अच्छा फीचर है, अगर आपके पास मोबाइल का हेडफोन्स है, ईयरफोन है या फिर हेडफोन्स भी है तो आप ये वाला बटन ऑप्शंस क्लिक करके आपके ऑडियो को आप स्प्लिट कर सकते हो, जिससे कि आप नेक्स्ट ट्रैक को भी सुन सकते हो। तो ये ज़रूर करिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, खुद सुनना है, खुद बीट मैचिंग करना है, मिक्सिंग करना है, तो ये चीज़ आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी मिक्सिंग और भी अच्छी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्यू के बारे में और क्यों वो इतना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ तो ट्रैक बराबर बीट से स्टार्ट हुआ, और जब हम नीचे की तरफ देखेंगे, जो सेकंड ट्रैक देखेंगे, जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पर कोई बीट मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्यों कब काम आएगा मुझे? इन केस अगर मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए तो मैं आगे जा सकता हूँ, जैसे कि एडिट करते हैं हम सॉन्ग को, मैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर ये वाला बीट स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर मैं उसको क्यू करता हूँ। तो क्यू कैसे करते हैं, मैं पहले प्ले करूँगा उसको, फिर वहाँ पर पॉज करूँगा, ठीक है। जब हम इसको पॉज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा क्यू है वो बराबर बीट के स्टार्ट पे नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्यू करूँ तो ये इस तरह से बजेगा, इसका मतलब ये बीट के बीच से बज रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। तो हमको जब क्यू करना होता है तो क्यू हम बराबर बीट के स्टार्ट पे करते हैं इस तरह से, और जब मैं इसको प्ले करूंगा तो देखिए ढिश ढिश आवाज आ रहा है आपको। दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्यू का मतलब है आपको ट्रैक कहाँ से स्टार्ट करना है वो आपको डिसाइड करना है। सेकंड, जब भी हम क्यू करेंगे तो जो बीट है उसके बराबर स्टार्टिंग पॉइंट पे हम क्यू करेंगे, बीच से नहीं करेंगे, यहाँ पर क्यू हम नहीं करेंगे। ट्रैक को जब भी हम क्यू करते हैं तो बराबर बीट पे क्यू करेंगे। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर आप ग्राफ देख के भी
बीट को क्यू कर सकते हो। तो ये चीज़ का फ़ायदा उठाइए, जिससे कि आपको सुन सुन के जब आप क्यू करते जाएंगे तो आपको सुन सुन के आइडिया आ जाएगा कि बीट को किस तरह से क्यू करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं प्रॉपर क्यूइंग, मतलब क्यू कहाँ पर करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे पहले कहा था कि जब भी हम ट्रैक को क्यू करते हैं तो क्यू हम करते हैं बीट के स्टार्ट पॉइंट पर, जो कि है ऐसे इस तरह से, जो ये बीट का स्टार्टिंग पॉइंट है हम वहाँ पर उसको क्यू करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सेकेंड बीट को क्यू कर सकता हूँ। ये सेकेंड बीट को अगर मैं क्यू करूँ यहाँ पर, इस तरह से हम क्यू नहीं करते। सेकेंड बीट को हम क्यू नहीं करते, हम थर्ड बीट को भी क्यू नहीं करते, क्योंकि ये बीट के बीच में आता है। उसका रीज़न ये है कि हम सभी को पता होगा कि जब चार बीट बजता है तो एक बार होता है। जैसे कि मैं ये एक बार बजाता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर मैं फोर लूप करता हूँ, अभी मैं बजाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बार। तो ये एक बार के अंदर जितने भी बीट आते हैं ना, उसके सिर्फ फर्स्ट बीट को ही हम क्यू कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो सॉन्ग है वो मैच हो जाएगा। अगर हम सेकंड, थर्ड या फोर्थ बीट को अगर क्यू करेंगे और ट्रैक को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो ट्रैक है वो कम्प्लीटली ऑफ बीट हो जाएगा। आप कितने भी ट्राई करो, उसको बीट सिंक करो, बीट मैच करो, कुछ भी करो, आप बीट सिंक में भी रखोगे ना तो भी आपका जो ट्रैक है वो ऑफ बीट हो जाएगा, क्योंकि आप बार के बीच से मिक्स कर रहे हो। हमको बार के स्टार्ट पॉइंट से मिक्स करना होता है कोई भी ट्रैक हो। उसी तरह से अगर आपको क्यू करना है तो आपको फोर बीट छोड़ के, चार बीट छोड़ के आपको सेकंड बार पे जाना है। यहाँ पर आपको क्यू करना है इस तरह से, इसको यहाँ से क्यू करना है, ये इसको मैं करता हूँ यहाँ पर क्यू, तीन चार, फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थर्ड बार पे हम इसको यहाँ पर क्यू करते हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बार के बीच वाले बीट को हम क्यू नहीं करते, बार के स्टार्टिंग वाले बीट को हम क्यू करते हैं, जिससे कि आपका ट्रैक जो है वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाए। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। करते अब बीट को हम किस तरह से मैच करते हैं वो देखते हैं। तो बीट को मैच करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहला कहा था कि जो भी ट्रैक बनता है उसका एक पर्टिकुलर बीपीएम होता है, जो कि हम कहते हैं बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ट्रैक है वो 121 BPM पे है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अब दूसरा ट्रैक डालता हूँ, और आप देख सकते हो कि इसका जो BPM है उसका 126 है, और इसका जो BPM जो हमारा करंट ट्रैक जो प्ले हो रहा है उसका BPM है 121। तो बेसिकली अगर हम हमारे प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो सारे ट्रैक सेम BPM में नहीं रहेंगे, कुछ 21, 22, 23, 30, 130 के आसपास होते हैं। तो अगर हम दो अलग अलग ट्रैक स्पीड के ट्रैक के जब हम साथ में प्ले करेंगे तो किस तरह से बजेगा, आप वो सुन लीजिए। तो बेसिकली जो दोनों बीट्स है अलग अलग टाइम पे चल रहे, तो वो दोनों भी क्लैश हो रहे हैं, और ये चीज़ आपको अवॉइड करना है एज अ डीजे। क्योंकि अगर आप जब पार्टी प्ले कर रहे हैं और इस तरह से आपका जो बीट है वो एक दूसरे के साथ में क्लैश होने लग गया तो आपका नाम खराब हो जाएगा। तो इसको किस तरह से सॉर्ट करते हैं, जैसे कि अब मेरा ये जो ट्रैक है वो प्ले हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये प्ले हो रहा है। अभी यहाँ पर मुझे BPM दिखा रहे 121, तो यहाँ पर भी मुझे उसको 121 करना है। तो 121 करने के लिए मेरे को इसको जाना है ऊपर की तरफ। अभी ये हो गया हमारा BPM को मैच करना। जैसे कि अगर मुझे फास्ट करना है तो मैं इसको नीचे करूँगा, और इसको स्लो करना है तो मैं इसको ऊपर करूँगा। तो इसी तरह से अभी ये ट्रैक मेरा जो चल रहा है 121 का चल रहा है, ये 20 इसको भी मैंने 121 कर लिया, ठीक है। अभी 0.2 सेकंड्स का भी डिले हो रहा है। तो यहाँ पर आता है हमारा पिच बेंडिंग का फीचर। अभी पिच बेंडिंग फीचर क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि अभी हमने BPM को है वो तो मैच कर लिया। अभी जब हम ट्रैक प्ले करते हैं, जैसे कि मैं इस ट्रैक को प्ले करता हूँ, ये ट्रैक जब प्ले होता है और दूसरा जो ट्रैक है वो बीट के, मैं अगर समझो कि मेरा बीट तो मैच है लेकिन जब मैं उसको प्ले कर रहा हूँ तो वो थोड़ा बीट है वो आगे प्ले हो गया, या तो फिर थोड़ा बीट के पीछे प्ले हो गया, बराबर बीट पे प्ले नहीं हुआ, तो तब मैं पिच बेंडिंग करूंगा। तो मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। देखिए मैं ट्रैक को प्ले करता हूं, अभी आप देख सकते हो जो ट्रैक है वो मैंने थोड़ा सा जल्दी प्ले कर लिया, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं माइनस करता हूं। अभी देखिए जो बीट है वो दोनों सिंक में चला गया। तो उसी तरह से अगर हमें बीट को थोड़ा
लेट प्ले करता हूँ तो मेरे को उसको फास्ट करना होगा ट्रैक को आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि अगर मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ और मैं बीट को थोड़ा लेट प्ले करता हूँ तो मुझे इसको लेट प्ले किया तो मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा। देखिए मैं प्लस करता हूँ और बीट को मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो पिच है वो बेंड, तो यहाँ तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो पिच है उसको बेंड करके इसको मैच कर लिया। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ आप भी करें। अभी हमारे पास सिंक का फीचर है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बीट लॉक है, बीट बहुत सारे ऐसे फीचर है जिससे आपको मिक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली ट्रैक को मिक्स कर सकते हो। लेकिन सिंक करने से पहले बीट मैच का सिंक, बीट मैच, बीट लॉक ये फीचर यूज़ करने से पहले आप पहले ये जो फीचर्स है इसके बारे में आप पहले फेमिलियर हो जाइए बहुत अच्छी तरह से, प्लस माइनस किस तरह से काम करता है। तो उससे क्या होगा कि आगे अगर समझो कि अगर आपके पास कोई प्लेयर हो जिसमें सिंक बटन काम नहीं कर रहा, सिंक का बटन ख़राब है, तो आपको मैन्युअली मैच करना पड़े, तो आपको ये जो काम है वो बहुत आएगा। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। पिच बेंडिंग क्या होता है, जैसे कि अगर ट्रैक को हम थोड़ा लेट प्ले करते हैं तो हमको उसको प्लस दबा के थोड़ा फास्ट करना पड़ता है मैच करने के लिए। तो बेसिकली पिच बेंडिंग वही चीज़ है, अगर हम थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं बीट में तो हमको डिसाइड करना है कि हमारा बीट को हमको थोड़ा आगे लेके जाके बीट मैच करना है, पीछे लेके बीट मैच करना है। जैसे कि मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी हम ट्रैक को प्ले करते हैं तो आपको बराबर बार के फर्स्ट बीट पे आपको प्ले करना है, आप बीच में से कोई भी ट्रैक को प्ले नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्रैक को प्ले करता हूँ 3 4 1 2 3, यहाँ पर मैं नहीं मार सकता, यहाँ पर मैं बीट को प्ले नहीं कर सकता। जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर ग्राफ भी देख सकते हैं, जब ये ब्लू लाइन आ रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा ब्लू लाइन है। अब आपके पास यहाँ पर आपको ऑप्शन भी है, जैसे कि ये ब्लू लाइन का भी ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर, आपके यहाँ पर कुछ अलग भी दिखा सकता है। जैसे कि ये जहाँ जहाँ आपको ब्लू लाइंस दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ब्लू लाइंस दिख रहे हैं, यहाँ पर ब्लू लाइंस दिख रहे हैं, तो ये आपका स्पॉट है, आपको वहाँ पर उसको प्ले करना है। आपको ये सेकेंड बीट है ना, आपको ये इस लाइन पर प्ले करना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपको देखिए 5 6 7 8 यहाँ पर चेंज हो गया आपका, ये 8 के बाद जो 9th बार है ना, आप वहाँ से ट्रैक को मिक्स करना स्टार्ट कीजिए। और एक मैं आपको टिप देता हूँ, जैसे कि आपका ये ट्रैक प्ले हो रहा है, जब उसका वोकल्स आएगा, वोकल्स आने के बाद जब उसका ड्रॉप आएगा ना, ड्रॉप जब ट्रैक का कोई भी ट्रैक का ड्रॉप आता है ना, तब आप जो ट्रैक है ना, आपका सेकेंड ट्रैक है ना, उसको आप प्ले कीजिए और उसके साथ उसको मैच कीजिए। तो क्या होगा कि जैसे ही आपका ड्रॉप, जो फर्स्ट ट्रैक का ड्रॉप है वो खत्म हो जाएगा ना, आपका सेकेंड ट्रैक का वोकल्स है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना है, पिच बेंडिंग भी आपको ट्राई करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्लस माइनस करके पहले ये चीज़ को आप पहले परफेक्ट कर लीजिए, प्लस बीट बार और फ्रेज क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि 4 बीट, जब हम 4 बीट करते हैं तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा हो गया 1 बार। जब हम उसको 8 करते हैं तो ये हो गया हमारा 2 बार, ठीक है। उसी तरह से जब हम 8 बार की तरफ जाते हैं तो आपका आता है फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज का मतलब है आप 8 बार के बाद आपका जो फॉल आएगा, ड्रॉप आएगा, जो भी आएगा वो बेसिकली 8 बार के बाद आता है। उसका रीज़न ये है कि हम जब भी 8 बार प्ले करेंगे उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका जो ट्रैक है वो चेंज हो जाएगा, या तो फॉल आएगा, या तो कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड होएगा, या तो फिर कुछ अलग होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 8 बार के बाद आपको ट्रैक को सुन के एनालाइज करना है कि आपका ट्रैक में चेंजेस आने वाला है। तो ये आपका टाइमिंग है, जब चेंजेस आएंगे उसका फर्स्ट बीट पे अगर आप सेकंड ट्रैक को प्ले करते हो स्टार्ट से, तो आप देख लीजिए कि आपका जो दोनों ट्रैक है वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, और जब फर्स्ट ट्रैक का ड्रॉप आएगा तो सेकेंड ट्रैक का भी ड्रॉप आएगा, तो उससे आप ट्रैक को ईजिली मिक्स कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे 8 बार के बाद ट्रैक में चेंजेस आते हैं। तो मैं पहले ट्रैक को प्ले करता हूँ और आप मेरे साथ में काउंट कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वो जो बार है आपको ग्राफ में देखना है, तो आप सिंपली यहाँ पर जाके आप बीट काउंटर को यहाँ पर शो ऑन वेवफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ पर वो बार शो करेगा कि आपका बार, जो आपका जो बीट है, बार है, वो कौन से नंबर पे है। तो चलिए मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, आप यहाँ से चेक कर लीजिए और देखिए कि जैसे किस तरह से 8 बार के बाद जब फ्रेज आता है तो किस तरह से ट्रैक में चेंजेस आते हैं। चलिए मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 change।
तो आपने देखा कि इस तरह से 8 बीट के बाद, जो 8 बार के बाद जो है ट्रैक में चेंजेस आते हैं। तो जब 8 बार हो जाएगा और 8 बार खत्म होने के बाद जब आप सेकंड ट्रैक को प्ले करेंगे तो आपका जो ट्रैक है वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा, मतलब वो टाइमिंग में मिक्स हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जब एक ट्रैक का ड्रॉप आएगा तो दूसरे ट्रैक का बीट्स आ सकता है, या फिर दोनों का ड्रॉप आ सकता है, जिससे कि आप जब दोनों ट्रैक का ड्रॉप आ जाएगा और आप इजीली एक ट्रैक को कट कर सकते हो, दूसरे ट्रैक को मिक्स कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ अगर आप सीख जाते हो, टाइमिंग सीख जाते हो, बीट बार फ्रेज के बारे में सीख जाते हो कि बीट बार फ्रेज क्या होता है, बीट क्यों करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो बीट, जैसे मैंने कहा था कि बीट को बीच से क्यों नहीं करते, बीट को फर्स्ट बार के फर्स्ट बीट से क्यों करते हैं, और प्लस अगर आपको आगे जाना है तो आपको 8 बार के बाद आपको मिक्स करना है, जिससे कि आपका टाइमिंग जो है वो प्रॉपर मिक्स होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप उससे आप EDM भी मिक्स कर सकते हो, हिप हॉप मिक्स कर सकते हो, आप बॉलीवुड EDM रिमिक्सेस भी मिक्स कर सकते हो, ओरिजिनल भी मिक्स कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सभी को लागू होता है। तो अगर ये चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो डेली टाइमिंग के लिए, टाइमिंग का प्रैक्टिस करते हो, तो आपका मिक्सिंग और भी बेटर हो सकता है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप जो EDM ट्रैक्स है, हाउस ट्रैक है, उस पर आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, और टाइमिंग का जो है वो नॉलेज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जिससे कि आपकी मिक्सिंग परफेक्ट हो। फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारे सिंक बटन के बारे में। तो चलिए अभी हम सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है सिंक बटन। तो बहुत सारे ऐसे डीजेस हैं, बहुत अभी भी ऐसे डीजेस, पुराने डीजेस हैं जो कहते हैं कि सिंक बटन जो यूज़ करता है वो डीजे नहीं होता है। क्योंकि मैं भी आपको बता दूं कि मैं उस टाइम से डीजेइंग कर रहा था जब सिंक बटन होता ही नहीं था, जहां पर सिर्फ प्ले और पॉज होता था और क्यू बटन होता था, सिंक ऐसी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। लेकिन अगर बटन है तो इसका मतलब हमको यूज़ करना चाहिए, उससे काफ़ी टाइम बच जाता है, आपका जो टाइम है वो बहुत बच जाता है। तो ये चीज़ है वो भी आपको यूज़ करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सबसे पहला क्लियर करना चाहिए, जैसे कि आपको खुद से मैन्युअली जो क्यू करना आना चाहिए, फिर आपको बीट को क्यू करना आना चाहिए प्रॉपरली, टाइमिंग के बारे में आपको परफेक्ट आना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें, जो BPM मैच करना, हाथ से मैन्युअली BPM मैच करना अगर आप सीख जाते हो, पिच बेंड करना सीख जाते हो, फिर उसके बाद आप सिंक बटन यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंक बटन एक ऐसा फीचर है, जब आपका बीट है वो छूट जाता है, आपका जो टेम्पो आपसे मैच नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली सिंक बटन दबा के आप ऑटोमेटिकली उसको मैच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस ट्रैक को प्ले करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है, इसका जो टेम्पो आप देख सकते हो कि ये आप मुझे दिखा रहा है 125-126 दिखा रहा है, जब इसका नॉर्मल जो इसका BPM है। इनकेस अगर आपका जो फेडर ऊपर नीचे होगा और आपको उसको सेंटर में लाना, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है इसका जो नॉर्मल जो इसका जो BPM है वो आपको ओरिजिनल BPM है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो अभी है हमारा ये जो BPM है वो है 121 और इसका जो ओरिजिनल BPM है वो है 126। तो चलिए मैं अब इस ट्रैक को प्ले करता हूँ। जब मैं इस ट्रैक को प्ले करता हूँ और मुझे जब मैं दूसरा ट्रैक को प्ले करता हूँ और जब अगर वो बीट मैच नहीं है, जैसे कि मैंने उसको बीट भी मैच नहीं किया, इसका BPM भी मैंने कुछ नहीं मैच किया, लेकिन मैं सिर्फ ट्रैक को प्ले करता हूँ, तो अब ये कुछ अलग ही बज रहा है और बहुत ही ख़राब बज रहा है। अभी सिंपल एक बटन दबा के मैं पूरे ट्रैक को मिक्स कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा ट्रैक है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ में मिक्स हो गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। जो मेरा BPM है वो भी मैच हो गया, टेम्पो भी मैच हो गया, और प्रॉपरली बीट टू बीट भी ये मैच हो गया। तो सिंक बटन आप लिटरली कोई भी ट्रैक डाल के, जैसे कि अगर ये मेरा ट्रैक चल रहा है यहाँ पर, मैं अगर ये ट्रैक डाल दूँ और इसका भी स्पीड ये है, तो मैं फेडर नीचे करूँगा, सिंपली ट्रैक को प्ले करूँगा, सिंक दबा दूँगा, फिर मैं फेडर ऊपर कर दूँगा और मेरा ट्रैक जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें मिक्स हो जाएगा। पहले मैन्युअली सारी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही हम जो सिंक बटन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लैपटॉप में आप इजीली कर सकते हो। लैपटॉप से अगर आप प्ले करते हो तो आपको सिंक बटन यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा आउटपुट भी नहीं, आपके पास हेडफोन भी नहीं होगा सुनने के लिए, तो आप बार देख के मिक्सिंग कर सकते हो। और दूसरी चीज़ आपको, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि बीट मैचिंग, बार मिक्सिंग, ये सारे तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको आपका ट्रैक के बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या ट्रैक प्ले कर रहे हो आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं आपका ट्रैक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका ट्रैक में कौन सा मिक्स है, कहाँ ड्रॉप आने वाला है, ये अगर आपको चीज़ को पता नहीं होगा ना, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इसके लिए आपके पास जो भी ट्रैक है आप रोज़ उसे सुनते रहिए,
नए नए मिक्सर्स आते हैं उसके बारे में भी आप सुनते रहिए। तो चलिए ये तो रहा सिंक बटन, तो अब मैं आपको ऐसा फीचर बताता हूँ जिससे कि आप ऑटोमेटिकली जो भी आप ट्रैक डालेंगे वो ऑटोमेटिकली उसका BPM जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो उसका एक फीचर है जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था, यहाँ पर सेटिंग्स है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, ऑटो BPM, ऑटो सिंक, ऑटो पिच लॉक, और पिच रेंज के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियसली मेरे वीडियो में बताया था कि वो क्या है और किस तरह से आपको क्या सेटिंग्स रखना है। और ये है हमारा जो बटन बिहेवियर, और ये है हमारा जो CD मोड और वाइनल मोड, जो कि मैंने प्रीवियसली सारी चीज़ें हैं वो मैंने प्रीवियस की वीडियो में सारे कवर किए, तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अभी हम आते हैं ऑटो BPM मैच। जब हम ऑटो BPM मैच दबाएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी वो सिलेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं कोई भी ट्रैक डालूंगा, तो अब जैसे कि मेरा ये ट्रैक प्ले हो रहा है और मैं जब कोई दूसरा ट्रैक उठा तो जैसे कि ये, तो आप देख सकते हो कि ये अभी मेरा जो ओरिजिनल ट्रैक है वो 123 है, लेकिन ऑटो BPM मैच ऑन होने की वजह से जो मेरा 120 का BPM है वो 121, सेकेंड ट्रैक भी 121 ऑटोमेटिकली BPM मैच हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ से 120 का लेता हूँ तो आप देखिए ये भी ट्रैक मैंने डाला तो वो भी 121 ही हो गया। तो इसका एक डाउनसाइड ये है कि जो BPM आपका 121 है वो 121 ही रहेगा, मतलब आप कोई भी ट्रैक डालोगे वो 121 ही रहेगा, वो फास्ट नहीं होगा, स्लो नहीं होगा। तो ये कहाँ पर अच्छा है कि अगर आप लाइव सेट प्ले कर रहे हो और आपके पास जो ट्रैक्स है वो 120-130 के आसपास है, तो यहाँ पर आपको ये अच्छा काम आएगा, मतलब आपको ज़्यादा आपको एफर्ट लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका ट्रैक है कोई भी ट्रैक आप डालेंगे वो BPM उसका ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। आप सिर्फ ड्रैग ड्रॉप कीजिए, आपका जो भी ट्रैक डैक वन पे जो भी ट्रैक प्ले हो रहा है वो आपका मैच हो जाएगा। इनकेस अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मुझे फास्ट करना चाहिए तो आप यहाँ से इसको इस तरह से 130 करके बढ़ा सकते हो, फिर आप जब भी ट्रैक डालेंगे तो वो देखिए ऑटोमेटिकली ये BPM यहाँ पर भी मैच हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली जो BPM उसका मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका BPM का जो है वो जो BPM का टास्क है वो यहाँ पर आपका कम हो जाएगा अगर आप ऑटो BPM ऑन रखते हो। लेकिन अगर आपको ट्रैक को बढ़ाना है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा टेम्पो फास्ट करना चाहिए, तो आपको जो भी ट्रैक आप प्ले कर रहे हो उसका टेम्पो आपको थोड़ा सा फास्ट करना है, उसके बाद आप जो भी ट्रैक इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मैच हो जाएगा। तो ये एक फीचर है। दूसरी फीचर की अगर हम बात करें तो ऑटो की मैच, ऑटो की मैच तो मैं कहता हूँ कि आप यूज़ मत ही करिए ये। अगर आप ऑटो की मैच करेंगे और वर्चुअल जी अगर उसको ऑटो की मैच करने जाएगा तो आपका ट्रैक का पिच है वो बहुत चेंज हो जाएगा। अगर उसका डिफरेंस ज़्यादा रहेगा कोई भी ट्रैक डालेंगे तो वो उसको मैच करने की कोशिश करेगा, बीट में मतलब की में मैच करने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपका ट्रैक रो भी सकता है। अगर आपके पास अच्छा खासा ट्रैक है तो उसका वोकल्स है वो रोने लग जाएगा, तो आप ये फीचर मत यूज़ कीजिए ऑटो की मैच का। ऑटो सिंक प्ले का मतलब है कि आप जो भी ट्रैक डालेंगे वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। जैसे कि मैं ट्रैक को प्ले करता हूं तो आपका जो ट्रैक है सेम एज BPM, जैसे आप उसको प्ले करेंगे तो आपका जो ट्रैक है वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी आपको एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ से आपको ऑटो सिंक ऑन करना पड़ेगा। तो आप जो भी ट्रैक जब डालेंगे और जब भी आप उसको प्ले करेंगे, कहीं से भी आप प्ले कीजिए, आपको बीच से भी प्ले कीजिए, कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए उसको, वो बीट नहीं छोड़ेगा, उसका जो बीट है वो बराबर बीट पे ही प्ले होगा। आप कहीं पर भी ट्रैक प्ले कीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका ऑटो की लॉक ऑफ कर देता हूँ, ऑटो सिंक प्ले ऑफ कर देता हूँ, तो मैं जब इसको यहाँ से प्ले करूँगा तब देख सकते हैं बीट पे प्ले नहीं हो रहा है, बीट के आगे पीछे प्ले हो रहा है, तब मुझे पिच बेंड करना होगा। लेकिन अगर मैं इसका ऑटो सिंक ऑन प्ले करता हूँ तो मैं कहीं पर भी इसको प्ले करूँगा ना, ये बीट पे जाके ही प्ले होगा, मतलब बीट पे स्टार्ट होगा। जैसे कि देखिए अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, कहीं पर भी प्ले करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो बीट है बीट के साथ ही प्ले होगा। तो ये भी अच्छा फीचर है, अगर आपको कहीं पार्टी कर रहे हो और आपको अच्छा कड़क मिक्सिंग करना है तो आप जो फीचर है इसको ऑन रख के आप बीट मैच इजीली कर सकते हो। जैसे कि मैं कहीं पर भी प्ले करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो बीट है वो बीट के साथ ही चलेगा, बीट के आगे पीछे प्ले नहीं होगा। दूसरी फीचर की हम बात करें तो वो है ऑटो पिच लॉक फीचर। ऑटो पिच लॉक फीचर अगर जब हम ऑन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर भी ऑन हो जाएगा। ऑटो पिच लॉक का मतलब है कि जो आपका BPM है दोनों का, ये देखिए मैं जब ऊपर नीचे करूँगा तो ये भी उसके साथ सिंक हो जाएगा और ये भी उसके साथ सिंक हो जाएगा, मतलब ये जो पिच है इसका दोनों का
टेम्पो है वो लॉक हो जाएगा। आप इसको भी हिलाएंगे तो वो भी बढ़ेगा, इसको भी हिलाएगा तो वो भी बढ़ेगा। तो ऑलरेडी इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है कि ये फीचर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो है, तो ऊपर जो है आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस फीचर से आप EDM से हिप हॉप से EDM में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बीट मैच करके। जी हाँ, बीट मैच करके, तो वो ज़रूर एक बार देख लेना, जिससे कि आपको आइडिया जाएगी पिच लॉक फीचर एक्चुअली कैसे काम आता है, तो वो देख लेना। लेकिन आपने जैसे कि मैंने कहा पिच लॉक फीचर है, जिससे कि आप जो टेम्पो है दोनों फेडर का वो लॉक हो गया, तो यहाँ पर भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका जो लॉक सिस्टम है वो ओपन हो गया। तो ये सारे फीचर्स यूज़ करके आप जो है बीट मैचिंग कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये रहा एक फीचर, अभी मैं आपको और एक फीचर बताता हूँ जो बीट लॉक फीचर होता है। जैसे कि हम अगर स्क्रैच में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा बीट लॉक, तो जब आप इसको एक्टिवेट करते हो तो आप देख सकते हो कि नीचे लिख के आया है कि कीबोर्ड डेक सिंक्रोनाइज इवन वेन स्क्रैचिंग। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है, अभी मैंने इसको ऑन कर लिया, जब मैं इसको प्ले करूंगा और जब मैं स्क्रैच भी करूंगा ना, तो उसका बीट है ना वो छूटेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीट लॉक है उसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, अब मैं ट्रैक को प्ले करता हूं, अब इसको भी प्ले करता हूं और इसमें स्क्रैच करता हूं, तो अभी देख रहे हो क्या हो रहा है, जो बीट है वो छूट रहा है। मैं तो अभी इसको बराबर टेम्पो पे प्ले कर रहा हूँ, देखिए अभी मैं बीट पे प्ले करता हूँ इसको, लेकिन मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, क्या हो गया, इसका जो बीट है वो आगे पीछे निकल गया। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास एक ऐसा फीचर है जिसे हम कहते हैं बीट लॉक। तो जब मैं इसको बीट लॉक करूँगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, और जब मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ, अब जब मैं स्क्रैच करूँगा ना तो स्क्रैच होगा, लेकिन हमारा जो बीट है वो ऑफ बीट नहीं होगा, वो सिंक में ही चलेगा। देखिए मैं प्ले करता हूँ, अभी मैं स्क्रैच करता हूं, देखा इजीली आपका जो बीट है वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो गया, आपको यहां पर भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो वर्चुअल डीजे में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं आप जिसे लिटरली आपकी जो मिक्सिंग है और आपका जो फ्लो है वो बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका जो टैलेंट है, आपका जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स तो आप कहीं पर भी यूज़ कर लोगे, कैसे भी यूज़ कर लोगे, लेकिन आपका जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्राउड के ऊपर है। जैसे कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जब भी आप ट्रैक प्ले करते हो, जब भी कोई भी ट्रैक प्ले करते हो, जब एक वोकल्स ख़त्म हो जाता है ना, तो हमको ध्यान रखना है कि जो सेकंड ट्रैक है उसका भी वोकल है। क्योंकि अगर आप ट्रैक कोई प्ले कर रहे हो और फिर उसका ड्रॉप बज रहा है, इतना लंबा ड्रॉप बज रहा है ना, क्राउड को पसंद नहीं आता। क्लब का सीन डिफरेंट है, अगर प्राइवेट पार्टी करते हो तो उसका सीन डिफरेंट है। क्लब में ड्रॉप आप बजाते हो तो चल जाता है, आप उसको ट्रैक को लंबा खींच सकते हो, क्लब में कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप प्राइवेट पार्टी करते हो, प्राइवेट गिग करते हो, तो आपको जो आपका जो टाइमिंग है वो बहुत शार्प और बहुत कट टू कट रखना पड़ता है। क्योंकि एक गाना खत्म हो गया तो आपको फटाक से आपका सेकंड ट्रैक का वोकल स्टार्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका जो गाने का फ्लो है, डांस फ्लो है, वो एकदम रनिंग में रहना चाहिए, एकदम लाइवली होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक तो आप कर लोगे, यहाँ पर जो भी सारे मैंने फीचर्स बताया वो सारे फीचर्स कर लोगे, लॉक कर लो सब, लेकिन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है आपका टाइमिंग और आपका म्यूजिक का नॉलेज। म्यूजिक का नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो अभी हम बीट मैच कर लिया, बीट सिंक कर लिया, सिंक भी यूज कर लिया, हम सारी चीजें यूज कर लिए, अभी आते हैं हमारे मिक्सर की तरफ और देखते हैं मिक्सर में क्या क्या फीचर्स है। तो बीट मैच, बीट सिंक, सिंक दबा के भी आप ट्रैक को मिक्स कर सकते हो। लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका EQ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिक्सिंग में, जिससे कि आपकी जो मिक्सिंग है वो काफी स्मूथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ यहाँ पर इस तरह से, अगर मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ और जब मैं सेकेंड ट्रैक को प्ले करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्रॉस फेड करके मैं ट्रैक को फेडर, फेड इन फेड आउट इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर ऐसे भी हम यहाँ से भी इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो बीट टू बीट है ना वो मज़ा नहीं आता, लेकिन जब आप EQ से उसको करेंगे ना तो उसका मज़ा और उसका फ्लेवर बहुत ही अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये ट्रैक को मैं नीचे करूँगा, जब मैं ये ट्रैक प्ले करता हूँ यहाँ से इस तरह से, फर्स्ट से मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ट्रैक को प्ले करता हूँ, अभी मैं इसको इसके साथ मैच करता हूँ, अभी मैं इसको लोस को काटूंगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर लूंगा ऐसा, इसके लोस को काटते हैं हम धीरे धीरे, इसके लोस को बढ़ाते हैं,
इसके मिड्स को काटेंगे, इसके मिड्स को बढ़ाएंगे थोड़ा। इससे क्या होगा, जब आप इस तरह से मिक्सिंग करेंगे ना, आपका मिक्सिंग में ना जो टेस्ट है ना, उसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ही अलग आएगा। क्रॉस फेड करने से क्या होगा कि पता चल जाएगा आप एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की तरफ जाते हो, लेकिन जब आप ईक्यू यूज़ करते हो, जैसे कि एक ट्रैक का लो कम है, तो फिर धीरे धीरे आप दूसरे ट्रैक का लोस को बढ़ाएंगे और एक ट्रैक का लो को कम करेंगे। जिस तरह से हम फेडर को ऊपर नीचे करते हैं, उस तरह से आप ईक्यू भी एक बार वन बाय वन एक धीरे धीरे करके आप जब कम कम करेंगे, एक का ज़्यादा करेंगे ना, तो ट्रैक है ना वो ऐसा सिंक हो जाएगा ना कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ट्रैक चेंज हो रहा है। तो ईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्सिंग में, तो आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है, आपको ये ईक्यू ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो आप ये फिल्टर नॉब भी यूज़ कर सकते हो। जब आप इस तरह से लेंगे तो आपका जो मिड्स है, लो मिड्स और हाइज है, वो कट हो जाएगा, और आप जब यहाँ पर लेंगे तो आपका लोस कट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जब इसको ट्रैक को प्ले करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ करके, अभी ट्रैक को प्ले करता हूँ, ये ट्रैक को प्ले करता हूँ, जब मैं फिल्टर नॉब यूज करूंगा तो आप देख सकते क्या होगा। अभी मैं यहां से इसको इस तरफ लेता हूं, तो ये जो नॉब है, ये एक ही नॉब में आपका जो लोस मिड हाइट है वो सब कट हो सकता है। मैं आपको यहां से अब एक बार फिल्टर नॉब से करके दिखा दूं। अब मैं यहां पर लेता हूं, सब कट हो गया। जब मैं इसको यहां पर लूंगा तो लोस कट हो गया। तो ये एक फिल्टर नॉब से आप सिंपली बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहां पर भी आपको दिखा दूं, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन है कि अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, कट का बटन रखना है, को फ्लैंगर इफेक्ट जो भी रखना है, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर सबसे बेस्ट है। जैसे कि आपको एक ही बटन में आपका जो मिड लोज हाइज है वो सारी चीज़ आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप करेंगे आपको सब साइमेंटेनियसली करना है, जैसे कि ट्रैक को डालना है, बीट मैच करना है, उसका BPM सेट करना है, फिर आपको ट्रैक जब मिक्स करेंगे फीडर नीचे लेना है, EQ यूज़ करना है, और इस तरह से आप धीरे धीरे इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं हार्मोनिक मिक्सिंग। हार्मोनिक मिक्सिंग क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि हार्मोनिक मिक्सिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हार्मोनिक मिक्सिंग क्या होता है। जैसे कि एक की होता है, कोई भी सॉन्ग बनता है वो की में बनता है, ठीक है। तो जब आप सेम की के ट्रैक को मिक्स करते हो और जब वो दोनों ब्लेंड होता है, तो दो ट्रैक वो लगता है कि वो एक ही ट्रैक है। तो जब आप ट्रैक चेंज करोगे ना, तो लोगों को लगेगा कि एक ही ट्रैक बज रहा है, दो ट्रैक नहीं बज रहा है। अब इतना प्योरली उसको, मतलब इतने अच्छे से उसको मिक्स कर सकते हो कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ट्रैक चेंज हो गया करके, अगर वो सॉन्ग की में रहेगा तो। तो उसके लिए अगर आपको की मिक्सिंग के बारे में जानना है, तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, जहाँ पर कैमलॉट व्हील के ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप वो भी चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि की मिक्सिंग होता क्या है और इसको करते कैसे। वर्चुअल डीजे में एक ऐसा फीचर है जहाँ पर आप कोई भी ट्रैक डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो शो करेगा कि सेकेंड ट्रैक आपको कौन सा प्ले करना है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक भी है कि आपका जो BPM है वो सिंक में नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो भी ट्रैक बताएगा वो की में बताएगा, टेम्पो वाइज नहीं बताएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आते हो, जब हम BPM पे क्लिक करते हैं तो ये आपको जो ट्रैक है आपको BPM वाइज शॉर्ट करेगा, लेकिन जब मैं की में प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सारे ट्रैक है वो की में यहाँ पर मुझे शो करेंगे, लेकिन हमारा जो BPM है वो अभी ऊपर नीचे हो गया है, मतलब कोई भी कुछ भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं जब इस ट्रैक को प्ले करता हूँ, जब मैं इसको प्ले करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी टिक मार्क किए हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये ट्रैक इसके साथ हार्मोनिकली मिक्स हो जाएगा। जब मैं इसको डालता हूँ, इसको प्ले करूंगा, तो यहाँ पर मुझे बताएगा कि इसके साथ में ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, हार्मोनिकली मिक्स हो जाएगा। तो आप वर्चुअल डीजे में इजीली इस तरह से आप हार्मोनिक मिक्सिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कैमलॉट व्हील के बारे में नहीं पता, म्यूजिक थ्योरी के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पर आपका ये काम भी आपका इजी कर देगा। आप जो भी ट्रैक डालेंगे आपको हार्मोनिकली ये आपको पूरा मिक्स करके यहाँ पर बता देगा कि अब नेक्स्ट ट्रैक आपको कौन सा प्ले करना है। तो ये होता है हार्मोनिक मिक्सिंग। जैसे कि अगर समझो कि अगर आपके बाजू में यहाँ पर की के बटन पर अगर आपको इस तरह का दिखा रहा है, समझे कि ई बी इस तरह का दिखा रहा है, और आपको अगर नंबर्स में चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से जो है नंबर्स में शो करेगा। अगर आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में चाहिए
तो इसको आपको ये इस तरह से आपको ये यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आप हार्मोनिक मिक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन हार्मोनिक मिक्सिंग का एक ट्रिक भी है कि अगर आप हार्मोनिक मिक्सिंग करते हो तो आपको मिक्सिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हार्मोनिक मिक्सिंग जब आप लाइव प्ले करते हो या आप यूट्यूब के लिए प्ले करते हो या फिर आप लाइव मिक्सिंग करते हो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में करते हो तब आपको ये है बहुत काम आएगा, उसमें आपका मिक्सिंग अच्छा हो सकता है। लेकिन जब आप लाइव क्राउड के लिए प्ले करते हो तो हार्मोनिक मिक्सिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्राउड को हमको क्राउड के हिसाब से प्ले करना है। आप हार्मोनिक मिक्सिंग के हिसाब से नहीं प्ले कर सकते और अपने हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं प्ले कर सकते। हमको क्राउड को देख के पता चलना चाहिए कि ये ट्रैक है, अभी ये ट्रैक पे लोग डांस कर रहे हैं, मतलब ये उनको अभी टपोरी गाने पसंद आ रहे तो हमको नेक्स्ट ट्रैक पे टपोरी डालना है, फिर हमको टपोरी का एक लाइनअप बना के रखना है। फिर बाद में जब हम देखेंगे कि हाँ अभी टपोरी से लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, अभी कुछ मैं हिप हॉप डालता हूँ, बॉलीवुड हिप हॉप डालता हूँ, जब मैं बॉलीवुड हिप हॉप डालूंगा जब क्राउड और खुश हो जाएगा तो फिर मैं हिप हॉप का लाइनअप प्ले करना स्टार्ट करूंगा। तो उसमें मैं जब पंजाबी ऐड करूंगा अब मैं देखूंगा कि चलो पंजाबी में लोग डांस कर रहे हैं, हाँ डांस कर रहे, तो वो मैं पंजाबी का लाइनअप स्टार्ट करूंगा, फिर पंजाबी बजाना स्टार्ट करूंगा। तो कम्प्लीटली क्राउड पे डिपेंड करता है, आपको क्राउड को देख के समझ के ही आपको प्ले करना होता है। लेकिन हार्मोनिक मिक्सिंग अगर आपको किसी को देना है, आपको किसी को आपका टैलेंट शो करना है या फिर आपको किसी को आपका जो मिक्सिंग का टैलेंट है वो शो करना है तो हार्मोनिक मिक्सिंग करके भी आपका टैलेंट इस तरह से आप शो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बीट ग्रिड निकाल के यहाँ पर मुझे अगर रिवर्ब डालना है तो मैं यहाँ पर रिवर्ब डाल दूंगा। तो अभी एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इफ़ेक्ट हम कब कहाँ कब और कहाँ डालते हैं। इफ़ेक्ट हम नॉर्मली कहाँ डालेंगे, हम बीट पे इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। बीट पे इफ़ेक्ट डालना है तो यहाँ पर जो आपका लूप रोल है ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं वो हम बीट पे डाल सकते हैं। लेकिन जो रिवर्ब डिले है वो हमको वोकल्स पे या फिर इस तरह से जो गैप आता है ना यहाँ पर डालेंगे ना तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, मतलब ज़्यादा मज़ा आएगा, वहाँ पर वो एम्प्टी स्पेस मिलता है तो इफ़ेक्ट्स हम उस जगह पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ और मैं रिवर्ब को ऑन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप खेल सकते हो, जैसे कि फ्लैंगर इफेक्ट डाल दूंगा मैं, तो ये वोकल्स पे और गैप में जहाँ पर आप फॉल आएगा वहाँ पर ये सारे इफेक्ट्स आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जब ये लूप रोल का इफेक्ट है ये आप जब बीट पे डालोगे तो उसका अलग ही मज़ा आता है। जैसे मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, लूप रोल लगाता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये जो थोड़े फीचर्स हैं वो बीट पे अच्छा लगते हैं। लेकिन जो मोस्टली सारे फीचर्स होते हैं ना वो आप वोकल्स पे डाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको ट्रैक को फेड इन फेड आउट करना है तो आप रिवर्ब डिले डाल के भी, जैसे कि ये फॉल पे आता हूँ मैं और आपको यहाँ से ट्रैक को चेंज करना है तो आप सिंपली रिवर्ब डाल के इस तरह से प्ले करेंगे और डिले डाल के इस तरह से आप फेडर को नीचे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको EDM से हिप हॉप में जाना है, फॉर एग्जांपल मैं एक हिप हॉप ट्रैक ले लेता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। अब मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट है एक बैक स्पिन का। तो बैक स्पिन से क्या होगा, अभी समझो कि ये EDM का ट्रैक चल रहा है, मुझे अभी हिप हॉप में जाना है, तो जब मैं ट्रैक को प्ले करूँगा यहाँ पर इस तरह से, और एक चीज़ का आपका ध्यान रखना, कुछ भी चीज़ आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपको बीट और बार को ध्यान में रख के ही करना, आप कहीं पर भी नहीं प्ले कर सकते, कहीं पर भी इफेक्ट नहीं डाल सकते, उसमें भी आपको टाइमिंग जो है आपको मेंटेन रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ यहाँ पर, इसको प्ले करता हूँ, बैक स्पिन ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा, अभी बैकस्पिन जो है वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा तक उसको रखना है। जैसे कि मैं बैकस्पिन ऑन करता हूँ, अरे उसका जो स्पीड है उसको थोड़ा सा लंबा रखता हूँ जिससे कि मुझे सेकंड ट्रैक है वो उसको प्ले करने का मुझे मौका मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको एक बार फिर से करता हूँ, यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, बीट आने से पहले मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ।
तो ये एक ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। अभी मैं दूसरा ट्रांजेक्शन बताता हूँ जिससे कि आप जो हिप हॉप से हम अभी ईडीएम की तरफ जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ईडीएम से हिप हॉप की तरफ किया, अभी मैं हिप हॉप स्टार्ट करूंगा और ईडीएम की तरफ जाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इफेक्ट्स ऑन कर लेता हूँ, एक बार यहाँ पर मैं डालता हूँ ब्रेक स्टार्ट, ठीक है। अभी मैं इसको जब प्ले करूँगा तो आप देखिए क्या इफेक्ट आएगा इसमें, ठीक है। अभी मैं यहाँ ट्रैक को थोड़ा एंड से प्ले करता हूँ यहाँ से, तो ये एक इफेक्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसमें रिवर्ब डाल दे या डिले डाल दे, इसको थोड़ा सा रिवर्ब और डिले डाल दे तो ये और भी अच्छा साउंड करेगा। तो इस तरह से आप इफेक्ट्स यूज़ करके आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और इफेक्ट्स अगर आपको जानना है तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इफेक्ट्स है, बहुत सारे आप ये सारे बहुत सारे इफेक्ट्स इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं स्टेम्स के बारे में। स्टेम्स के बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है स्टेम्स। स्टेम से आप लिटरली कोई भी मैशअप लाइव बना सकते हो, रिमिक्स लाइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी ट्रैक ले लेता हूँ एक, तो जैसे कि हम एक ट्रैक ले लेते हैं जहाँ पर वोकल्स है, यहाँ पर इसको क्यू कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से स्टेम्स एक्टिवेट करता हूँ। स्टेम्स में जब मैं इस चीज़ को एक्टिवेट करूँगा, एक मिनट, ये सब चीज़ को मैं डीएक्टिवेट कर लेता हूँ और सिर्फ वोकल्स को ऑन करता हूँ। तो जो बाकी के सारे इंस्ट्रूमेंट के बेस है वो सारे निकल गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ पर कोई भी ट्रैक डाल सकता हूँ, हाउस, हिप हॉप, जो भी मुझको डालना है। मैं सिंपली यहाँ पर एक ट्रैक डाल दूंगा, मैं ट्रैक को प्ले करूंगा और इसके साथ में उसको मिक्स कर लूंगा। अगर मुझे जो सेकेंड ट्रैक है उसका मुझे इंस्ट्रूमेंटल भी नहीं चाहिए तो सिर्फ किक चाहिए, और ये किक और हाई हेड चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं ट्रैक को प्ले करूंगा और इसमें से सिर्फ बीट्स प्ले करूंगा। तो उसी तरह से सेम आप इसमें भी कर सकते हैं, इसका वोकल्स आप निकाल के इसमें से सिर्फ किक डाल के इसके सिर्फ इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर सकते हो और बाकी के सारे चीज़ को म्यूट कर सकते हो। तो आप लिटरली आप कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग लेके आप उस बॉलीवुड सॉन्ग का एकेपेला बना सकते हो, लाइव लोगों क्राउड के लिए आप प्ले कर सकते हो, कुछ अलग करके दिखा सकते हो। दो ट्रैक जो भी रहेगा आप उसको मिक्स कर सकते हो इजीली, और इस तरह से आप आपकी जो मिक्सिंग की लेवल है उसको और एक स्टेप बढ़ा सकते हो। हर एक चीज़ जो भी चीज़ आप करेंगे उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा, आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते। तो अगर आपको परफॉर्मेंस दिखाना है, आपको लाइव करना है, शो कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करना होगा, एकेपेला लेना होगा, एकेपेला बनाना होगा, उसमें आपको बटन्स क्लिक करके फिर सेकंड ट्रैक को आपको रेडी करना होगा, फिर उसका टाइमिंग उसका मैच करना होगा, जब उसका ड्रॉप आएगा आपका सेकंड ट्रैक स्टार्ट होना चाहिए। आपका जो सॉन्ग है वो कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपका जो रिदम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आप जो 2021 से कर सकते हैं। तो वीडियो मिक्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो वीडियो मिक्सिंग भी जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो सेम चीज़ आप वीडियो मिक्सिंग में भी कर सकते हैं। जो बीट है आप उसको उस तरह से क्यू कर सकते हैं, सेम जो सारी चीज़ें आप मैंने आपको बताया आप वीडियो मिक्सिंग में भी सेम कर सकते हैं। फ़र्क इतना है कि आपके पास वीडियो फाइल होना चाहिए, तो आप सेम सारी चीज़ें जो आप नॉर्मल MP3 से करते हो, वेव फाइल से करते हो, वो आप वीडियो फाइल से भी कर सकते हो। तो वीडियो मिक्सिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो पहला हुआ करता था अब वैसा नहीं है। तो आप वीडियो मिक्सिंग भी सेम उसी तरह से कर सकते हो, क्यू करके पिच बैंड प्लस माइनस करके आप मैच कर सकते हो। बस वहाँ पर कुछ इफेक्ट्स है, आपको ट्रांजेक्शन में आपको क्या इफेक्ट्स डालना आप वो देख सकते हो। तो उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी मास्टर क्लास में मेरा वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बीट मैचिंग के ऊपर, और जो बीट सिंक किस तरह से करते हैं, मैचिंग किस तरह से करते हैं, उसके ऊपर से आपको आइडिया आया होगा। तो ये जो था फीचर वो था सिर्फ लैपटॉप के लिए था, ये जो मैंने बताया आपको लैपटॉप के लिए। लैपटॉप में अगर आप यूज़ करो तो लैपटॉप में किस तरह से बीट मैच कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो रिकॉर्ड बॉक्स के ऊपर होने वाला है, उसके बाद में DDJ 400 के ऊपर भी एक मास्टर क्लास लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको मैं 400 के सारे फीचर्स के बारे में बताऊँगा। प्लस 400 के ऊपर ही हम बीट मैचिंग, बीट सिंग, बीट क्यू किसे करते हैं,
सुन के किस तरह से करते हैं उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरीज हो या फिर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं सभी को जवाब देता हूँ। तो वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए और DM कीजिए डायरेक्टली। और तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।